अरे ये तो फोन कर ले रहा है। तो भाई लोग कैसे हो, अगर फिर से आ चुके हैं रेड जैकेट मैन का। और भाई ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताए कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इंपॉर्टेंट है जो भाई इस सीजन में कॉन्कर लेना चाहते हैं। पिछले सीजन में एकदम एस मास्टर लगा के छोड़े थे कि भाई प्लेटिनम, ओए देखो अरे भाई इनको बोलते हैं दुकान पे बैठ गया सौदा देख रहे हैं, कोई गाड़ मार लेगा। मतलब क्या बताए, दुकान खोल के बैठे थे, सिक्स मंगा रहे थे सब, हम ले गए, क्या बताए, फुट स्टेप भी नहीं सुनाई दी हमने, जैसे हेडफोन नहीं पहने थे क्या भाई। मतलब तुम्हारा भी ऐसे ही हाल होता होगा जब तुम हेडफोन नहीं पहनते हो। अरे अरे हम प्रो है ना भाई, हम सूंघ लेते हैं, फुट स्टेप सूंघ लेते हैं भाई। अच्छा तो तो वाली शक्ति आप में, मतलब सूंघ के जान जाने। अरे भाई नहीं। तो भाई बकचोदी बंद करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भाई उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे जो भाई पिछले सीजन में कॉन्करर करते करते छोड़ दिए थे और इस सीजन में फिर वो कॉन्करर करने बैठा है। तो पहले हम बता रहे हैं भाई थोड़ा बर्दाश्त करो, छोड़ो ओड़ो मत, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो वर्ड है कॉन्करर भाई ये थोड़ा बर्दाश्त करने वाला काम है, ये थोड़ा मतलब लड़ जुझारू काम है। हम क्या बताए तुमको भाई, माइनस माइनस लग जाता है, बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं, हट जाते हैं, छोड़ देते हैं। जिससे तुम लोग पिछले सीजन को ही अपने देख लो, जिन जिन बंदे का नहीं हुआ, तुम लोग किस टाइम पे छोड़े थे, क्या छोड़ बोल के छोड़े थे भाई। हम 5400 पॉइंट के बंदे को छोड़ते देखे हैं भाई, 5700 पॉइंट के बंदे को छोड़ते देखे, क्योंकि भाई डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई एकदम से भाई। तो भाई बर्दाश्त करने वाला चीज़ें, माइनस भी लगे तो भाई तुम टेंशन मत लो। और भाई ये जो फाइट था भाई, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है यहाँ पे, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। कूदत जाओ भोसड़ी के लपेट लिए देखो। तो भाई तुम लोग कुछ स्ट्रेटजी बनाए हो कि नहीं, कि ऐसे ही मैदान में उतर गए हो, क्योंकि भाई लेट जग जाएगा, डिले हो जाएगा तो भाई मिलेगा ही नहीं ना, लास्ट तक चला जाएगा साला। कॉन्करर बोलेगा लेते जाओ लो। अरे भाई मतलब कॉन्करर बोलेगा अंत में लो, हट भाई, कुछ भी बोलता है भाई, इनके बातों में ध्यान मत दो। तो भाई स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि भाई तुम जल्दी ले लो भाई, जैसे अब देखो पॉइंट चल किस, अभी मतलब टाइम कितना हो रहा है, लगभग 5 बजे का करीब ये टाइम है, हम रिकॉर्ड किए हैं वीडियो। तो भाई कितना डायमंड 4, मतलब डायमंड 4.5, मतलब 3 होने वाला है लगभग। डुओ कम पॉइंट दिखा रहा है स्क्वाड का भाई, बात है तो भाई तो क्राउन तक हैकर भोसड़ी वाला, टॉप 100 तक हैकर बढ़ा है। तो भाई देख लो भाई, डायमंड 3 होने वाला है, मतलब आज के डेट में सब लोग बंदे भाई 500 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, बहुत फास्ट प्लस कर रहे हैं। तो भाई हमको लगता है रात तक क्राउन पहुँचेगा 12-1 बजे तक। तो भाई 500 का टारगेट भाई बहुत ज़्यादा, अगर तुम 500 तुम लेते हो ना तो भाई तुम टॉप 100 में चलोगे साथ में। तो हम बोल रहे हैं ना भाई तुम छोटा ही टारगेट लो, 400 का टारगेट लो। हम तुमको बता रहे हैं भाई तुम 400 का टारगेट लोगे ना तो तुमको आज तुम्हारा कितने तक जाएगा, डायमंड 2 तक जाएगा। और कल तुम्हारा कितने तक जाएगा, तुम्हारा आराम से कल तुम कितना प्लस करोगे, डायमंड 2 के बाद 400 और पॉइंट डाल लो क्राउन 3 तक। लेकिन तुम कल और थोड़ा ट्राई करना प्लस कर दे तो क्राउन 2 निकल जाएगा तुम्हारा। तो भाई इतने में यही होगा कि भाई 2 दिन में उन लोगों का कॉन्करर होगा जो भाई 500 का टारगेट लेकर चलते हैं, हैकर लोग का कॉन्करर होगा अधिकतर। और भाई दूसरे दिन उन लोगों का भी होगा जो भाई डिवाइस वाले, जो भाई अच्छे खेल रहे, मतलब बढ़िया, ये नहीं बोल रहे भाई तुम अच्छे नहीं खेलते हो, मतलब उन लोगों का जो लेके एकदम फिक्स करके चले उनका कॉन्करर हो जाएगा दूसरे दिन ही। लेकिन भाई ये जो ट्रिक है मतलब 400 प्लस करने का, ये भाई एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है भाई, इन्हीं में ज्यादातर बंदे रहते हैं। और भाई यही सिंपल है यार, जैसे नॉर्मल बंदे 500 प्लस करके 2 दिन में ले लेते हैं, लेकिन भाई 2 दिन में लेने का भाई उतना मरने का क्या जरूरत है, रात भर खेलने का क्या जरूरत है। तुम भाई 400 प्लस करो, तीसरे दिन में लो, अब तुम्हारा क्या बोल रहे थे हम, क्राउन 2 तक हो गया रहेगा 2 दिन में, और तुम 400 प्लस करोगे तो भाई थर्ड दिन में तुमको कितना, अगर 400 प्लस किए तो तुम्हारा 4400 पॉइंट जाएगा, और थर्ड दिन में भाई 4400 पॉइंट पे कॉन्करर मिलता है भाई। पर भाई इजी भी है लेना, 400 का टारगेट कोई बड़ा नहीं है। और भाई क्राउन में भाई बेनिफिट भी है, अपना टियर प्रोटेक्शन कार्ड भी मिलता है, तो भाई रॉस खेल के भाई ज्यादा किल करके ज्यादा प्लस करने का भी तुम्हारे पास मौका है, तो 500 भी लगा सकते हो, तो भाई उतना कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। और भाई तुम ट्राई करोगे भाई 500 के नीचे भाई ज्यादा, जिसे तुम रात को खेल के अगर 300 रैंक छोड़ते हो तो भाई तुम्हारा ठीक है, 2 बजे के करीब छोड़ते हो, लेकिन भाई तुम सुबह में अगर सोचते हो भाई, लेकिन भाई ये बात समझो, शुरू में पॉइंट बहुत ज्यादा भागता है। अगर तुम कॉन्करर कर रहे हो और 500 के नीचे रैंक ला रहे हो, अगर मतलब मॉर्निंग में ही ला दिया तुमने 300 रैंक, तो भाई उसको 300 मत रखो, तुम 100 कर दो, टॉप 100 कर दो, 200 कर दो, क्योंकि भाई रात तक रैंक निकल जाएगा, बहुत ज्यादा पॉइंट भागता है शुरू में। अरे भाई सुन ना भाई, इतना ज्ञान देते रहता है भाई, तो कभी ये भी तो लाइक सब्सक्राइब लो, मर भी गया, मतलब ये सब करने को बोला। लेकिन भाई मतलब एक बात हम बता रहे हैं उससे पहले कि जो ये बकवास अपडेट आया ना, क्या भाई मुंह ना मारी तारा बोलत रहा भाई हम। और भाई हम चाहते हैं भाई कम समय भाई लोग को ज्यादा बात बता दे, बकचोदी बीच में ना करें। तो भाई ये जो अपडेट आया ना भाई, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा खेलना कि भाई नॉर्मल जंगल में, हम जो इसका वीडियो जल्दी लाएंगे क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट वीडियो है।